हेलो फ्रेंड्स, ये रिमेनिंग पार्ट है लास्ट वीडियो का और हम लोग जा रहे हैं एक फ्रेंड के यहाँ। तो हमें वॉलमार्ट में कुछ काम था तो हम जस्ट वॉलमार्ट जा रहे हैं वो चीज़ें पिकअप करने के लिए। और ये हम पहुँच गए हैं फ्रेंड के यहाँ। यहाँ पे हम सबको लंच के लिए इनवाइट किया गया है तो हम सब अंदर जा रहे हैं ये छोटी बेबी के साथ में। और मेरी फ्रेंड है और उनके हस्बैंड है और महिंदा भी साथ में है। ये है उनका घर, देखिए कितने अच्छे से उन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके घर का डेकोरेशन। और ये हमारा फूड रेडी है और काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई थी घर पे। बहुत यमी और डिलीशियस लंच था हम लोगों के लिए। ये थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में फूड था और डेकोरेशन भी केरला स्टाइल में है घर का। ये देखिए, ये केरला में हाथी को इससे सजाया जाता है। और ये आंटी का पूजा रूम देखिए, बहुत अच्छा पूजा रूम बना हुआ है, भगवान को अच्छे से सजाया हुआ और फ्लावर चढ़ाए हुए हैं। और ये है हमारी प्यारी सी क्यूट सी आंटी। और ये आंटी मुझे अपनी फैमिली के बारे में बता रही हैं, उनके बच्चों के बारे में। पिक्चर में सभी लोग हैं उनकी फैमिली से, तो होल फैमिली पिक्चर है और सबकी सोलो पिक्स भी है। उनकी बेटी का मैरिज का पिक्चर भी है यहाँ पे। तो मुझे बता रहे थे कि कौन कौन है और कितने बच्चे हैं ये सब, और कैसे उन्होंने एंजॉय किया और फ़ोटो कब कब क्लिक किया था, कौन से टाइम पे ऐसे सब सेरेमनी क्या हुई थी, ऐसे सब बता रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फर्स्ट टाइम ही आंटी से मिली लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और घर में मम्मी की याद आ गई आंटी से मिलने के बाद। उनके दोनों बच्चे हैं। और ये आंटी लोगों ने काफ़ी सारा डेकोरेशन आइटम यहाँ पे ला के रखा है इंडिया से, क्योंकि ये सेलिब्रेशन करते रहते हैं जैसे गणेश पूजा और भी जितने भी फेस्टिवल होते हैं साउथ इंडियन फैमिलीज़ में वो सब करते हैं। और ये उन्होंने कहीं ट्रैवल करने गए थे तो वहाँ से ये पिक्चर लिया था। ये भी यूटेंसिल्स वगैरह उन्होंने लाए हैं, कलेक्शन काफ़ी सारे थे उनके जो एशियंट वे के भगवान की पूजा के लिए या फिर कुछ स्पेसिफिक ओकेशन में यूज़ करने के लिए। और भगवान के पास भी काफ़ी सारे पूजा के बर्तन रखे हुए हैं जो पूजा में वो यूज़ करते हैं। और एक कुछ चीज़ों का मुझे मीनिंग नहीं पता था तो आंटी बता रहे थे कि इसका ये मीनिंग है और ये बर्तन हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डे फिर से हम लंच के लिए गए थे एक और फ्रेंड के यहाँ, तो वहाँ के लिए भी हमने बनाई थी जलेबी। ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स जितने रिचक्रिस्ट में रहते हैं सबके लिए जलेबी बनाई थी। मेरा बहुत प्रैक्टिस हो गया यहाँ जलेबी बनाने से। और ये है वो फ्रेंड फैमिली जिनके पास हम लोग गए थे लंच के लिए। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, मेरे पास पिक्चर ही है तो मैंने लगाया। और ये देखिए हमारी क्यूट बेबी है। जब हम घर से निकल रहे थे तो वो यहाँ आने के लिए हमने दूसरे फ्रेंड के यहाँ जहाँ हम स्टे किए हुए हैं अभी टेम्परेली 2 मंथ के लिए, तो उसके लिए हमें ये सेंड ऑफ करने के लिए सब निकले थे। और मैंने कुछ कुछ चीज़ें बता रहे थे घर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी वो सब। और अभी हार्ड टाइम आ गया है क्योंकि छोटी बेबी के साथ हम इतने घुल मिल गए थे कि पूछो मत, तो हमें जाने का मन नहीं हो रहा था। और देखिए बेबी हमें जस्ट बाय बोलने आ रही थी और रो रही थी, इतना बुरा लग रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था आने का। और उसको हम लोग मनाने की कोशिश कर रहे थे तो धीरे धीरे मानी बट वो रोए जा रही थी। छोटे बच्चों के साथ बहुत लगाव हो जाता है ना। हम वहाँ पर 2 nights 3 days थे और इतना ज़्यादा हमारा उससे लगाव हो गया था कि पूछे मत। छोटी बेबी को भी हो गया था, बार बार हम मनाने की कोशिश कर रहे थे उसको। और ये हम फाइनली निकल गए वहाँ से। और ये हमारा रूट था, अप्रॉक्सीमेट 2 hours लगे हमें घर पहुँचने में दूसरे फ्रेंड के यहाँ जहाँ हम अभी टेम्प्रेरी 2 months के लिए रह रहे हैं। ये देखिए उस रूट का व्यू, सीनिक व्यू है, जगह जगह रुक सकते हैं और काफ़ी सारे घूमने की जगहें भी हैं इन बिटवीन, बट हम लोग ऑलरेडी घूम चुके थे तो हम नहीं गए उन सब जगहों पर, जैसे रेड रॉक कैनियन है। और ये काफ़ी बड़ा डेजर्ट है यहाँ पे, मुहावे डेजर्ट बोलते हैं इसको। आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।